दोस्तों राजगीर में और मैं जाने वाला हूँ विश्व शांति स्तूपा जो कि राजगीर के रत्नागिरी हिल्स में है। पर दोस्तों इतना बारिश हो रही है यार, ये देखिए यहाँ से जो घोड़ा गाड़ी होते हैं ये जाते हैं झूला के पास, रोपवे जिसको बोल सकते हो आप, और जो रोपवे होते हैं वहाँ से आप जा सकते हो रत्नागिरी पहाड़ पे, और रत्नागिरी पहाड़ पे ही अपना है विश्व शांति स्तूपा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। और दोस्तों जो घोड़ा गाड़ी है, जो हमारा टांगा है, यहाँ से ले जाने का लगभग 400 रुपये लेते हैं, 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो दोस्तों ये है अपना एक्का गाड़ी, ये घोड़ा, और इस पर चढ़कर अपन जाने वाले हैं। दोस्तों दो चार वहाँ साथी लोग था, बोल रहा था घरे चल जाओ, पानी पड़ रहा है। हाँ कोई भाई लोग आ जाएंगे घूमने तो उनको कौन ले जाएगा। सही बात है, पानी पड़ रहा है पढ़ने दो। हाँ जो होगा इस पर कृपा हो, हमें तो मेहनत करके खाना काम है यार, मेहनत में रहे नहीं। ये भी मेहनत करती है तो खाती है। क्या नाम है इनका? रानी नाम है। रानी नाम है। और आपका? मनोज कुमार। तो दोस्तों मैं टांगे गाड़ी पे हूँ, यहाँ से अपन जाने वाले हैं शांति स्तूप। शांति स्तूप दोस्तों, और टोटल यहाँ पे लगभग 5-5.5 किलोमीटर के आसपास है ये रास्ता। तो ये पूरा रास्ता दोस्तों अपन टांगे गाड़ी पे निकालने वाले हैं। अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये बारिश का मौसम है, बारिश का तो मौसम नहीं है, ठंडे का मौसम है, पर बारिश हो रही है दोस्तों। कुछ ऐसा रास्ता है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। सुबह सुबह का टाइम है, 10:30 हो रहा है दोस्तों अभी। तो दोस्तों रास्ते में ये देखिए हमारा है जू सफारी, आप यहाँ से ये भी देख सकते हो। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे, जहाँ से टिकट मिलता है ऊपर विश्व शांति स्तूपा जाने के लिए। और ये कुछ ऐसा परिसर है दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से इसे अभी डेवलप किया जा रहा है। तो चलते हैं, टिकट लेते हैं, टिकट का प्राइस भी बताएंगे आपको कि कितने रुपए की टिकट मिलती है। दोस्तों ये शायद बांस का बना हुआ है, एंट्री गेट है शायद, और इधर देखिए अभी बन रहा। फ्रेंड्स मैंने टिकट ले लिया, और आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। ये जो है दोस्तों टिकट काउंटर, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो दोस्तों 9:45 से 12:45 मॉर्निंग में खुला रहती है ये, इसके बाद ब्रेक होती है, और 2 बजे से 4-4:30 बजे तक दोबारा खुलती है। तो दोस्तों आप 10 बजे यहाँ पे आ सकते हो, टिकट ले सकते हो। फिलहाल चलते हैं रोपवे के ऊपर। यहाँ से तो ऐसा दिख रहा है यार, इसी के ऊपर जाना है इन सीढ़ियों से होते हुए। इसका हिंदी में नाम क्या है दोस्तों? आकाशीय रज्जू पथ। अजीब नाम है ना, आकाशीय रज्जू पथ। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है यार, कान थोड़ा सा सुन्नता जैसा हो गया है, सुन पड़ गया कान मेरा ऊंचाई पे आने के वजह से, पर अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो बारिश के बूंदे कैसे टपक रहे हैं दोस्तों।
तो दोस्तों फाइनली अपन ऊपर आ चुके हैं पहाड़ के ऊपर, और ये रहा अपना रोपवे दोस्तों, कुछ ऐसा है यहाँ से दिख रहा है। एक बात अगर मैं बोलूँ तो शायद बुरा लगे, पर बिहार सरकार इसका अच्छे से रख रखाव नहीं कर रहा। मैं भी नेपाल से होकर आया था, वहाँ का रोपवे का इतना अच्छा कंडीशन था, साफ़ सफाई, यहाँ पर तो साफ़ सफाई भी बिल्कुल नहीं है यार। इस रास्ते से ऊपर जाना है, यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें भी हैं दोस्तों, देख सकते हो। हेलो, ये प्यारी प्यारी देखो दोस्तों दुकान भी है, ये अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पे। ये रहा अपना मेन एंट्री गेट, ये विश्व शांति स्तूप जो है, इसके बाहर में ये बड़ा सा प्रांगण है, देख सकते हो आप दोस्तों कुछ ऐसा है। और ये रहा अपना फर्स्ट लुक, यहाँ से पूरा राजगीर दिखता है दोस्तों, पर इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि कुछ दिखेगा ही नहीं, और धुंध भी है दोस्तों। दोस्तों ये जो कॉर्नर है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से दिखता था बिंबिसार का जेल, या यूँ बोलो तो बिंबिसार के जेल से ही अस्तूपा दिखता था दोस्तों। इधर था, धुंध इतनी है तो क्या ही दिखेगा आपको, मुझे भी नहीं दिख रहा यहाँ से दोस्तों। दोस्तों ये जो आपको अस्तूपा दिख रहा है, ये जापान के सहयोग से बना है दोस्तों, और ऐसा मान्यता है यहाँ पे कि जो गौतम बुद्ध भगवान थे यहाँ पे, वो राजगीर में रह के इसी रत्नागिरी जो पर्वत है, पहाड़ है, इस पर वो तपस्या करते थे दोस्तों। और दोस्तों रत्नागिरी पर्वत पे तपस्या करने के बाद ही वो यहाँ से बोधगया गए थे, और वहाँ पे उनको बोधगया में जाकर उनको दोस्तों ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से ऐसा नज़ारा है दोस्तों, ये देखिए कितना ज़्यादा लोगों में यहाँ आने की इच्छा है यार, मैं तो नहीं देखा था, इतने बारिश तेज़ हो रहा है, आप देखो लोग भीगते हुए भी आ रहे हैं। मगध साम्राज्य का पहचान तो पैरों से ही हुआ करता था दोस्तों, ये लोग बारिश में भीगते हुए आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। ये दोस्तों देखिए पानी ऐसे गिर रहा है सस्तूपा से। ये देखो दोस्तों आलम इस सस्तूपा का, बारिश में भी लोगों का हौसला बुलंद है दोस्तों, इतनी भीड़ है दोस्तों ये बारिश में, तो चारों तरफ बारिश हो रही है दोस्तों। ये है स्तूपा का फर्स्ट लुक दोस्तों, यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे जो गौतम बुद्ध भगवान है ध्यान मुद्रा में है दोस्तों, यहाँ पे परिनिर्वाण जो उनका हुआ था जब गौतम बुद्ध भगवान की मृत्यु हो गई थी तब का है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था उस समय शायद। कहाँ से आए हो आप लोग? पटना से। बारिश में भीगते हुए? दोस्तों यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, आप शांति स्तूप के पास आओगे तो पास में ही है ये रास्ता हुआ म्यूज़ियम का। अच्छा बात ये है कि यहाँ पे पैसा नहीं लगता दोस्तों इस म्यूज़ियम में आने का, तो चलकर देखते हैं कि म्यूज़ियम में क्या है। हेलो, हेलो, हाय, वाओ नोमैडिक, वाओ नोमैडिक, नोमैडिक। तो बारिश में कैसे आ गए आप लोग इधर? घूमने आए थे, बारिश हो गया अचानक से तो फंस गए है ना? हाँ फंस गए। बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ देख सकते हो बाहर से ऐसा ये नहीं है। फोटो खींचना मना है कोई बात नहीं, अंदर में ऐसा नज़ारा है दोस्तों तो देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे कुछ छोटे भी स्तूपा है तो उन्हें भी चलकर देख ही लेते हैं, बारिश अपना क्या ही बिगाड़ेगा यार।
अपने पास सारे बंदोबस्त है और छोटे वस्तु पे यहाँ पे पास में ही है तो लगभग आ ही चुके हैं, तो इसे भी देख ही लेते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे तो फिलहाल तीन स्तूपा दिखे दोस्तों, अभी एक ऊपर में भी है, सीढ़ी से चढ़ना होगा। बहुत ज़्यादा पुराना लग रही है स्तूपा। जो जापान के थे ना फुजी आई गुरुजी, तो उन्होंने इसे बनाया था, एक उन्होंने संस्था बनाया और विश्व में चारों तरफ उन्होंने स्तूपा का निर्माण किया है दोस्तों। स्तूपा का मतलब तो पता ही होगा आपको, स्तूपा मतलब होता है अस्थियों के ऊपर घर। तो दोस्तों यहाँ पे स्तूपा, इसका मतलब इसके नीचे किसी न किसी का अस्थि है दोस्तों। तो पास में चलकर देखते हैं कैसा दिखता है ये। ऐसा लग रहा है टोटल मार्बल से बना हुआ है, जापानीज लैंग्वेज ही होगा क्योंकि जापान के लोगों ने ही इसे बनाया है दोस्तों। तो अगर आप राजगीर के रत्नागिरी पहाड़ पे आते हो तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं उनके स्तूपा भी देखने को मिलेंगे उनके नाम के साथ। ये जो स्तूपा है इनका नाम है उपेंद्र महारथी।